जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं बलराम धनगर कमांडो। बड़ी खुशी हो रही है, कोई मेरे नाम से वीडियो बना के फेमस होना चाहता है। भगवान करे वो फेमस हो जाए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। दोस्तों सबसे पहले बताऊंगा, मेरा वीडियो आप लाइक करें या ना करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जिस बंदे को जरूरत है उस बंदे तक ये वीडियो पहुंचा दे, उतना ही मेरे लिए काफी है। दोस्तों चलते हैं वीडियो के टॉपिक की ओर। आज सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट टॉपिक, हर बंदा चाहता है मैं भर्ती में आगे लग जाऊं, दौड़ने के लिए आगे लगने की सोचता है, सभी बंदे सोचते हैं। तो दोस्तों आज मैं बताता हूं आप लोगों को किस प्रकार से आपको आगे लगना है, किस प्रकार से आपको स्ट्रेटजी अपनानी है जिससे आप आगे लगेंगे, और आपको रात में क्या पी के सोना है जिससे मॉर्निंग में आप आराम से फ्रेश हो सकते हैं और आराम से बहुत बढ़िया तरीके से रनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करूंगा भर्ती की, रात को जहां सेंटर है आपका उस सेंटर के पास में चले जाए, बहुत नजदीक ज्यादा 1-2 किलोमीटर के एरिया में चले जाए, ताकि वहां पर आप रूम लेके आराम से पूरी नाइट बेहतर तरीके से सो सके। उसके पहले सोने से पहले आपको क्या लेना है, एक चुटकी आपको लेना है अजवाइन। अजवाइन आपको किराना के स्टोर पे आराम से उपलब्ध हो जाएगी, मसाले के अंदर यूज की जाती है। अजवाइन को लेना है। अजवाइन को लेने के बाद में क्या करना है, उसको सीधा मुंह में डालना है, चबा के भी खा सकते हैं, नहीं तो सीधा पानी के साथ में उतार लीजिए उसको। आप दोस्तों यकीन नहीं करेंगे, मॉर्निंग में आपका पेट एकदम क्लियर मिलेगा और आपको रनिंग करने में कई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं सुबह उठने के बाद में आपको एक गिलास पानी पीजिए और ग्राउंड के लिए निकल जाइए। ग्राउंड के लिए निकलते हैं, सीधा क्या करना है, जैसे आप पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद में आपका जो आपके जरूरी कागजात है, जो आपको भर्ती में जरूरत होती है, वो सारे डॉक्यूमेंट आप साथ में लेके जाए। उसके बाद में आपको लेके जाना सीधा, आपको जहां बिठाते हैं वहां बैठ जाना है। बैठने के बाद में ये कोशिश करना है कि फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट लाइन मतलब बोले तो जो फर्स्ट राउंड लेते हैं या फर्स्ट स्टार्टिंग करते हैं कि भाई अब भर्ती स्टार्ट होने वाली, दौड़ स्टार्ट होने वाली है, तब क्या करना है, उस लाइन में अगर लग जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और अगर उसमें नहीं लग पाए कोई दिक्कत नहीं है, बाद वाली लाइन में भी लग सकते हैं, अगर वो लग गए तो बढ़िया चीज है। तो पहले आपको क्या करना है, आपको कहीं एक जगह इकट्ठा करके बिठाते हैं, वहां बैठना है। बैठने के बाद में क्या करना है, आपको यह ध्यान देना है बैठते हुए दिमाग का इस्तेमाल करना है। जो आपकी रनिंग है या आगे लगने के लिए आपको ताकत की आवश्यकता नहीं है, दिमाग का इस्तेमाल करना है, दिमाग आपका सेंटर में रखना है, उस तरीके से आपको आगे दौड़ना है, किस प्रकार से आगे जाके लगना है। तो आपको क्या करना है, वहां जाके बैठ जाए, बैठने के बाद में काउंटिंग कर लीजिए कि कितनी जगह और बिठाएंगे। अभी जिस प्रकार से बिठा रखा है, यहां बिठाया है, यहां से फिर आगे ले जाके बिठाएंगे, फिर आगे ले जाके बिठाएंगे, कितनी जगह आपको बिठाया जा सकता है, ये चीज आप दिमाग में रख लीजिए। और आपको अगर पता लग जाए कि मुझे इतनी जगह बिठाना है, उस हिसाब से इस यहां से उठा के अगर वहां ले जा रहे हैं तो उस समय आपको क्या करना है, जितने बंदों को उठा के ले जा रहे हैं उसमें हो सकता है सबसे आगे लगने की कोशिश करें, कि सबसे पहले पहुंचने की कोशिश करें, तो भी आपका नंबर आगे आ सकता है। तो आपको सेकंड या थर्ड जितने भी आपके बने हुए हैं, सर्कल बने हुए हैं, सर्कल में बिठा के रखते हैं, उस सर्कल में जाके आपको बैठना है, आगे की तरफ कोशिश करना है, बैठ जाए। बैठने के बाद में क्या करना है, जब आपको 2 या 3 सर्कल से उठा के जब लास्ट में आपको जब स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके जाया जाता है, तब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके जाने के लिए क्या होता है, आपको वहां से बोलेंगे भाई, उससे पहले आपको बैग रखने के लिए बोलेंगे, आपको बैग रखना है। बैग रखने के बाद में आपको भाग के वापस जहां खड़े थे वहीं फास्ट कार्रवाई करनी है, फास्ट कार्रवाई करके जहां खड़े थे वहां जाके वापस खड़े जाना है। फिर आपको लेके जाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे ले जाने जब आपको क्या करना है, जब आपको छोड़ते हैं तो शायद हो सकता है वहां पे बांस की बल्लियां वगैरह ऐसी लगी हुई हो, तो दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता, एक हाथ डंडा पड़ जाए, अगर फौजी भाई का एक हाथ डंडा पड़ जाए आपको तो उसको आशीर्वाद समझ के ले लेना, लेकिन हो सकता है तो उसको कूद के चले जाए, उसको कूद के जाएंगे, एक हाथ डंडा पड़ेगा खा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जाके स्टार्टिंग पॉइंट पे सबसे फास्ट वाली लाइन में जाके खड़े हो जाए। अगर दोस्तों फिर भी आपका नंबर नहीं पड़ता है, आप पीछे अगर नंबर पड़ गए, तो किसी कारणवश अगर कोई बंदा आपको बुलाता है, वो फौजी भाई आपको बुलाएंगे, बुलाते हैं भाई कौन आगे आएगा या कैसे क्या है, वो कुछ करने के लिए अगर बुलाते हैं आपको, किसी काम के लिए बुलाते हैं, तो सबसे पहले बिना हिचक के आप सबसे पहले जाके खड़े हो जाएंगे, हाँ सर मैं करके दिखाऊंगा, क्या करना है ये करना है मैं करके दिखाऊंगा, ये चीज आपको दिमाग में बिठा लेनी है और आप सबसे पहले जाके खड़े हो जाए। अगर नहीं भी आपको बुला रहे हैं, दूसरे बंदे को किसी को बुला लिया उन्होंने मान लो, तो आपको क्या करना है, आप कोशिश करके जाने की कोशिश करें, आगे आगे जाने की कोशिश करें, हो सकता है आपको 4-5 लाइन आगे नंबर आपका पड़ जाए, नहीं बुलाया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4-5 लाइन आगे नंबर आप जा तो सकते हैं। इस प्रकार से आपको भर्ती के लिए आपको जहां जा रहे हैं वहां पर आपके जाकर नंबर पड़ जाएगा। उसके बाद में दिमाग के अंदर सारी चीजें निकाल देनी है, किस प्रकार से तैयारी करी है, क्या करा है मैंने,
बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको नेगेटिव बात बताएंगे, जिसके रनिंग हो गई है वो अगर आपको मिला होगा भाई, उसने पूछा कैसे रनिंग करी यार, कैसे क्या हुआ, अरे बोले यार बहुत टाइम कम दे रहे हैं, बोले वो आपको डिमोटिवेट करेगा, आपका जो आपको क्या करेगा वो नेगेटिव विचार आपके मन में लाएगा और आप लोगों को नेगेटिव की ओर लेके जाएगा। तो आप उससे बात न करें, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, आप अपना टाइम देखिए, अपने हिसाब से जाके खड़े हो जाए। खड़े होने के बाद क्या करना है, जाके आपको जब सूट मारने के लिए बोलता है, गो रेडी गो लेके लिए बोलते हैं, रेडी गो में आपको क्या करना है, जब आपको लगे कि सब जितने भी फौजी भाई वहां पे है वो सब हटने लग गए धीरे धीरे, तो आपके दिमाग में एक माइंड सेट होना चाहिए अब रेडी गो होने वाला है। तो आपको केवल उस ध्यान, चारों तरफ से ध्यान हटा दीजिए, खाली आपको यह लगना चाहिए कि रेडी गो बोलेंगे या विसिल मारेंगे या फिर कोई आवाज आएगी जिससे हमें गो होना है, उस चीज का हमेशा ध्यान रख लीजिए, सारी चीजें भूल के वो चीज आपके दिमाग में रख लीजिए और आप तैयार हो जाए रनिंग के लिए। सबसे मेन बात, रनिंग के दिन आपको सब चीज भूल जानी है, कितने मिनट में मेरा टाइम आ रहा था, क्या नहीं आ रहा, सब भूलने के बाद एक चीज का एम होना चाहिए, बस मुझे वर्दी लेनी है, किसी हालत में दौड़ पूरी करने के बाद मुझे वर्दी मिल जाएगी, बस ये बात ध्यान रखने के बाद में आप अगर दौड़ेंगे 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, आप पास हो जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जय हिंद जय भारत दोस्तों।